नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दलाल, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली टर्बो के ऊपर मैंने बनाई है। देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अपने ट्रैक्टर पर टर्बो रखना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ट्रैक्टर पर कितने नंबर की टर्बो लगेगी, ये जो नंबर होता है टर्बो का ये क्या नंबर होता है, कैसे डिसाइड होता है, और आपके ट्रैक्टर के हिसाब से कौन सी टर्बो आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि ये जानकारी आपको कोई भी टर्बो बेचने वाला आपको नहीं देगा, और जिसके कारण हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं वो गलत टर्बो खरीद कर ले आते हैं और उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो टर्बो हैं बहुत ही कॉस्टली आती हैं। तो आज इस वीडियो में टर्बो के नंबर के बारे में बात करेंगे कि जो टर्बो का नंबर क्या होता है, और एक टर्बो में होता है एआर रेशियो। एआर रेशियो क्या होता है, मैं इस टर्म का बार बार यूज करूंगा। एआर रेशियो होती है एरिया ओब्लिक रेडियस रेशियो, तो इस टर्म का मैं बार बार यूज करूंगा, तो आप इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि टर्बो की आप पहचान कैसे करेंगे, ये टर्बो ओरिजिनल है या कंपनी की है या लोकल टर्बो है, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, लोकल जो टर्बो होती है उसके ऊपर किसी भी तरह कोई नंबर, कोई सीरियल नंबर, कोई पार्ट नंबर कहीं पे भी लिखा नहीं होता, और लोकल टर्बो एक चाइना के माल की तरह होती है, जो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो दोस्तों, अब मैं आपको टर्बो दिखाऊंगा। ये गैरेट कंपनी की टर्बो मैंने खरीदी है। जो टर्बो बनाती हैं बहुत सारी कंपनियां हैं, गैरेट कंपनी है, वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, स्विट्जर बनाती है, टेल बनाती है, होलसेट बनाती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी ब्रांडेड कंपनीज हैं जो कि टर्बो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब बात आती है, हम अपने ट्रैक्टर पर कौन सी टर्बो लगाएंगे और वो नंबर कहाँ से आया, तो देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गैरेट कंपनी की ओरिजिनल टर्बो है। कैमरा में जूम करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, यदि जो लोकल टर्बो होती है उसके ऊपर आपको कहीं पे भी कोई मार्का नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है गैरेट कंपनी की जो ये टर्बो है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो कंपनी टर्बो बनाती है उसके ऊपर पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखा होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए, कैमरा जरा नजदीक से कर दिखाएं, ये यहाँ पे पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दोनों चीजें लिखी हुई होती हैं। कंपनी की जो टर्बो होती है उस पर दोनों चीजें मेंशन आपको दिख जाएंगी। दोस्तों, ये टर्बो का इधर टर्बाइन होता है और इस साइड में ये कंप्रेसर होता है। देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं, ये इधर टर्बाइन है। जैसे ही हमारी एग्जॉस्ट जो एयर होती है इंजन की, वो एग्जॉस्ट एयर यहां से एंटर करती है और हमारे टर्बाइन को घुमाती है, और उसके बाद जो एग्जॉस्ट एयर वो यहां से निकल जाती है, और जो इधर वाला कंप्रेसर वाला साइड है यहाँ से फ्रेश हवा को खींचता है और कंप्रेस करके इधर इंजन में अंदर कंप्रेस हवा को करता है। तो दोस्तों, अब बात आती है टर्बो के नंबर की। अब आप सोचते होंगे कि टर्बो का नंबर कहाँ से आया और इस नंबर का हम कैसे पता करें। देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ टर्बो का नंबर। कुछ जो हमारी कंपनी की जो टर्बो होती है उनके ऊपर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये आप नजदीक से देखिए, ये देखिए ए ओब्लिक आर रेशियो 0.42। अब सीधी भाषा में हम बात करें तो इसको हम 42 नंबर टर्बो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये 0.42 ये नंबर कहां से आया, ये ए आर रेशियो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए मैं एक चार्ट लिया है, मैं उस पर आपको समझा देता हूं कि ये ए आर रेशियो कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है। कंपनी ए आर रेशियो कैलकुलेट करती है
आप ये देखिए, ये हमारा टर्बाइन है, तो टर्बाइन लगा हुआ है और ये होता है यहां से जो अंदर हवा कंप्रेस होती है, यानी कि टर्बाइन पे जो एग्जॉस्ट की, जो इंजन के एग्जॉस्ट की जो हवा है, जो वो यहां से टर्बाइन के ऊपर गिरता है और जिसे टर्बाइन घूमता है, और जो कंप्रेसर वाला साइड है वो कंप्रेस करके हवा को अंदर डालता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो ए आर रेशो जो टर्म है वो कहां से आई। तो ये देखिए, कोई भी जो टर्बो है वो 0.1 से शुरू होके एक नंबर तक होती है, यानी 0.1 से लेके और मैक्सिमम जो इसका साइज होता है वो एक होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो रेडियस है, यानी कि यहां से हवा, यहाँ पे जो साइज होता है ये टर्बो का बड़ा होता है, यहां से हवा अंदर गई, यहां से कंप्रेस होगी, तो यहां ये जितनी कंप्रेस हुई जो इसका एरिया होता है ये इसका रेडियस होता है, यहां से हवा आएगी और आगे जाएगी तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और हवा का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, बढ़ने के साथ साथ वो टर्बाइन पर पड़ता है और यहां से आर से लेके और यहां के जो टर्बाइन का जो ये दूरी होती है ये इसका रेशियो होता है। हवा अंदर यहां से आती है, कंप्रेस होती है और हमारे टर्बाइन को घुमा के एग्जॉस्ट से निकल जाती है। तो इस तरह से जो कंपनी है वो ए आर रेशियो कैलकुलेट करती है। और दोस्तों अब ये ए आर रेशियो आपको किसी टर्बो के ऊपर तो आपको यहां बाहर मिल जाता है ए आर रेशियो, और एक दूसरा जो जो इसका कंप्रेसर होता है इसके ऊपर भी यहां आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं, जहां एग्जॉस्ट के ऊपर आप टर्बो को सेट करते हैं तो यहां पे नंबर लिखा हुआ होता है, ये देखना जूम करके 0.47। तो ये इनके साइज होते हैं कि यहां से इतनी जो मास एयर ऑफ फ्लो है वो यहां से अंदर जाएगा और हमारे टर्बाइन को घुमाएगा और जो कंप्रेसर है वो एयर को कंप्रेस करके और हमारे इंजन को दे देगा। तो दोस्तों जो जितना भी ज्यादा नंबर होता है टर्बो का उतनी ही ज्यादा हवा को कंप्रेस करता है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टर्बो को ट्रैक्टर पर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉलेशन आप अपने आप खुद भी कर सकते। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको इस टर्बो को ट्रैक्टर पर इंस्टॉल करके दिखाएंगे, तो तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।